हालचाल है मेरे दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में। मई एंड जून वाज एक्साइटिंग। सिमिलरली दोस्तों जुलाई भी पीछे रहने वाला बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्मार्टफोन, बहुत सारे लॉन्चेस होने वाले हैं इस महीने में भी। कुछ ऐसा फोन जिसके लिए लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, कुछ ऐसा फोन जो जून में लॉन्च होना था लेकिन जुलाई में पोस्टपोन हो चुका है। वीडियो को अभी के लिए एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहला फोन गाइस नथिंग फोन वन। कुछ ऐसा कहा जा रहा है इस फोन के बारे में कि ये फोन बजट रेंज में भी आएगा लेकिन दोस्तों इस फोन का जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही ज्यादा उमदा होने वाले हैं। सबसे पहले स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 प्रोसेसर के मामले में, जो आज तक आपको किसी भी फोन में यूज नहीं किया गया, ब्रांड न्यू प्रोसेसर है, ब्रांड न्यू फोन के लिए आ रहा है। इसी के साथ गाइस ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिलेगा एंड पीछे आपको कैमरा में OIS सपोर्ट यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। मतलब काफी अच्छा एक फोन बनने वाले हैं। अगर प्राइस रेंज के साथ साथ स्पेक्स मैच कर गए या फिर सही खेल गए तो फोन इंडियन मार्केट में काफी अच्छा चल सकता है, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आपका राय क्या है इस फोन के बारे में नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताएगा मेरे को। अगला ब्रांड से पोको की तरफ से पोको F4 Redmi K40S को रिब्रांडिंग वगैरह करके यहाँ पे लाया जा रहा है पोको F4 5G के नाम से। स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर रहेगा, 7-8 5G बैंड रहेगा। अगर आपको इस फोन के बारे में डिटेल में एकदम खुल्लम खुल्ला जानने का है तो ऊपर कार्ड आ गया होगा ना, जरूर जाके देख लेना। वैसे ये वीडियो खत्म होने के बाद देखना, वैसे लिंक तो मैं नीचे भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो बिना किसी हिट के चाहे देख लो गाइस। अगला ब्रांड है OnePlus की तरफ से OnePlus 10A। ये बेसिकली एक फ्लैगशिप टाइप का फोन रखा है जहां पर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के साथ OLED डिस्प्ले होगा, ट्रिपल लेयर कैमरा पीछे होगा, 50+8+2 मेगापिक्सल वाला। अरे मूड खराब कर दिया, किसके कान में ज़ूम करूं इससे, मतलब क्या सोच के देते हैं मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं जो 10,000 के नीचे वाले प्राइस रेंज का जो फोन होते हैं उसमें अच्छा लगता है 2 मेगापिक्सल, ठीक है एक अच्छा दे दिए एक 2 मेगापिक्सल दे दिए, 50,000 रुपीज मैं पे करूं ये 2 मेगापिक्सल के कैमरे के लिए, मत दो। इससे बेहतर है 50+8 रख दो, मत दो 2 मेगापिक्सल। अबे शर्म करो, 5 मेगापिक्सल तो दे दो, 200 रुपये ज़्यादा लगा लो, 5 मेगापिक्सल ज़्यादा दो। 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हो तो कुछ अच्छा वाला चीज़ देने की कोशिश करो ना। ये दरख्वास्त है मेरी OnePlus की टीम से, आप लोग जितना भी लोग देख रहे हो बताओ आप 2 मेगापिक्सल से क्या कर सकते हो ज़्यादा, बताइए प्लीज़ कमेंट में बताइए आप। तो ये भी एक फ़ोन आ रहा है दोस्तों जुलाई में आ रहा है। अगला ब्रांड्स का नाम है दोस्तों Samsung। 2-3 फोन ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। सबसे पहले Samsung Galaxy F13 6000 mAh के बैटरी होगा, 10,000 के नीचे वाले प्राइस रेंज में आएगा, 50+5+2 के कैमरा रहेगा। शर्म करो कुछ कुछ शर्म करो, 10,000 के नीचे 50+5+2 क्या पता है यार। वैसे समझदारों को पता लग गया होगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, छोड़ो यार जुलाई में आ रहा है ये भी। अगला जो फोन है गैलेक्सी फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज, जुलाई में आने की काफी हद तक चांसेस है। अगर जुलाई में लॉन्च नहीं कर पाए तो अगस्त के पहले लॉन्च करना ही होगा, क्योंकि सितंबर में तो एप्पल भाई साहब आने वाले हैं ना, तो अगस्त में किसी भी तरीके से लॉन्च करना होगा। एंड खबर कुछ ऐसा है कि स्पेक्स के साथ साथ प्राइस रेंज भी काफी अलग होने वाले हैं इस बार आपको फ्लिप एंड फोल्ड सीरीज में। वो क्यों है वो आपको थोड़ा सा बाद में जाकर बताता हूँ, वीडियो आगे देखो पता लग जाएगा। लास्ट फोन के बारे में बात करते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले गैलेक्सी S21 फाउंडेशन 4G वेरियंट। इसका एक 5G वेरियंट भी है जिसका प्राइस करीब करीब है 55,000 रुपीज के आसपास, लेकिन ब्रांड्स इसका एक 4G वर्जन निकालने वाले हैं जिसका प्राइस रहेगा अंडर 25,000। सबसे पहला चेंजेस होगा 5G 4G हो जाएगा, दूसरा चेंजेस होगा प्रोसेसर में, स्नैपड्रैगन 720G आने वाले हैं 4G वेरिएंट्स में। ब्रांड्स कह रहे हैं कि बस यही सब चेंजेस होगा और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि 30,000 रुपीज प्राइस कट होगा तो बहुत सारे चीज आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मेरा ओपिनियन है। वैसे अगर चेंज नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में मेरे हिसाब से लगता है कि गो विद द फ्लो, आपको फ्लो के हिसाब से जाना चाहिए वरना आप पीछे रह जाओगे। आज के टाइम पे जहां पर आपको अगर 50,000 कोई भी फोन आप पकड़ लो वहां पर आपको 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। आज के टाइम पे 25,000 रुपये पे करके 4G डिवाइस देना विद 720G मेरे हिसाब से बेवकूफी होगा। लेकिन हाँ यार काफी सारे लोग इस फोन को परचेस करेगा तो आप भी उस लिस्ट में हो के नहीं मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना।
अगला ब्रांड से मोटरोला, मोटरोला की तरफ से दो फोन आने वाले हैं। सबसे पहला मोटरोला G32, G31 काफी अच्छा इंडियन मार्केट में मार्केट कैप्चर कर लिया था, इसीलिए G32 भी लाया जा रहा है। इसका प्राइस होगा करीब 10,000 से 15,000 के बीच में, एंड यहां पर आपको एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, हाई रिफ्रेश रेट रहेगा जो G31 में मिसिंग था, तो यहाँ पे शायद आपको वो चीज अपडेट देखने को मिल जाएगा। अच्छा कैमरा स्पेक्स आएगा जो G31 में भी बहुत अच्छा कैमरा था, 10,000 के नीचे वाले प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा कैमरा स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिला था, तो यहाँ पर आपको शायद और भी अच्छा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा G32 में। ये भी जुलाई में आ रहा है, एंड बहुत ही एक इंतजार में रहने वाला फोन जो है मोटोरोला H20 फ्यूजन का सक्सेसर H30 फ्यूजन, जो 20 से 25,000 के बीच में इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं। एमोलेड डिस्प्ले रहेगा, हाई रिफ्रेश रेट रहेगा, शायद आपको डायमेंशन 920 का 5G चिपसेट देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में श्योर नहीं हूं, शायद आपको कुछ और ही प्रोसेसर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 920 का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा मुझे लग रहा है कि हाँ आ सकते हैं। तो देखते हैं गाइस इसका भी क्या स्पेक्स रहता है, फाइनल स्पेक्स क्या रहता है। वैसे डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आने वाले, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मोटोरोला H30 इज कमिंग सून। रियलमी की तरफ से भी सी सीरीज का एक फोन लॉन्च हो सकते हैं, तो इसके बारे में मेरे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि ये फोन शायद आपको 10,000 के अंदर अंदर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आगे चलकर मुझे इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया तो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। एंड लास्ट जो सवाल है, एक सवाल काफी टाइम से पड़ा हुआ है, सैमसंग फोल्ड एंड फ्लिप सीरीज का प्राइसिंग को लेकर। अभी देखो रियलमी एंड आई को कुछ ऐसा करने जा रहा है, ये ब्रांड्स अपना फ्लिप डिवाइस बहुत ही जल्दी इंडिया में लाने वाले हैं, एंड रियलमी एंड आई को एक ऐसा ब्रांड है जो मतलब बहुत ही कम कीमत में आपको बहुत अच्छा स्पेक्स ऑफर कर देते हैं स्मार्टफोन में। अगर फोल्डिंग डिवाइस पर भी ऐसा कुछ कर दिया ना तो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाएगा, क्योंकि सैमसंग की फ़ोन का प्राइस है 1,50,000 रुपये फॉर फोल्डिंग डिवाइस, बट अगर आईको रियलमी ये सब लोग 80-90 हज़ार में दे देते हैं ना, बहुत सारे कस्टमर इस पे चले आएंगे। हाँ लेकिन कुछ कस्टमर ऐसा होगा जिसको ब्रांड्स मैटर करते हैं, वो सैमसंग पे ही रहेगा, लेकिन कुछ बंदे हैं जो मेरी तरह है जिसको ब्रांड्स के ऊपर कोई परवाह नहीं है, कुछ भी ब्रांड्स हो अच्छा स्पेक्स हो मोबाइल दे दो, वो कस्टमर ऑब्वियसली आईको रियलमी की तरफ चला जाएगा अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस एंड स्पेसिफिकेशन लगभग सेम हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी मच जाएगा मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे फोल्डिंग डिवाइस ओप्पो है, सैमसंग है, फिर रियलमी एंड आईको आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बस दोस्तों यही था कुछ वीडियो अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो को कैसा लगा। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बजा देना ताकि आगे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बस मैं मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।